हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। किसानों का गतिरोध अब भी बरकरार है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। पिछले चार हफ्तों से दिल्ली की कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे किसानों का प्रदर्शन आज 28वें दिन में प्रवेश कर चुका है। आज किसानों ने केजीपी केएमपी पर बैरिकेड्स लगाए हैं। प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल हुए। तो पांच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसान हैं, प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल हुए हैं। किसान जो हैं, किसानों का काफिला भी एक तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ केजीपी केएमपी पर बैरिकेड्स है और तीसरी तरफ केजीपी केएमपी पर जाम की स्थिति है। हम मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर पर और सिंगू बॉर्डर पर आपको बता दें कि जो हरियाणा का मुख्य पॉइंट है वहाँ पर ही है। लोगों से बातचीत करते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं कि आज किसान दिवस है, आप किस नजरिए से देखते हैं? जी किसान दिवस है जी, पर के अंग्रेजी किसान दिवस कैसे मनाया जाए जब हमारे इस खिलाफ ये जो तीन कानून लगे हमारा वो करा जा रहा है। जैसे बड़े भाई साहब ने बताया जी शिक्षा छोड़का रहे हैं, शिक्षा तभी तो करेंगे जब कुछ आमदनी होगी। घर वाले जब तक हमारी कॉलेज की फीस नहीं जमा करेंगे तब तक उनकी हैसियत नहीं होगी, हमारे घर वालों की फीस जमा करें जब तक हम कॉलेज में जाएंगे ना। इसलिए जी शिक्षा भी धीरे धीरे बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, क्या करें। और भी यहाँ पर है बुजुर्ग है, किसान है, उनसे जानते हैं आज किसान दिवस है तो आप किस नजरिए से देखते हैं? नजरिया क्या था हमारा, 28 दिन से किसान यहाँ पे पड़ा हुआ है, नजरिया क्या रहेगा? अपने हक की लड़ाई के लिए आज किसान दिवस है, जोर शोर से हम अपने किसानों के लिए मांग करते हैं। ये तीन काले कानून जो हमारे किसानों के लिए लेकर आए हैं और हमें वासी देहातों में रोका जा रहा है, हम यहीं से हमारा किसान दिवस मनेगा। जैसे हमारे भाइयों के बीच में हम सबको तोड़ के हमारे घरों पर पुलिस बैठा रखी है, हम वहाँ से तोड़ के यहाँ पे यहीं से अपनी सड़कों पर इस ठंड में अपना किसान दिवस मनाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर और भी युवा हैं, किसान हैं, उनसे जानते हैं आज किसान दिवस है और लगातार आप आंदोलन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आप किस नजरिए से देखते हैं? आज किसान दिवस है हमारे लिए, किसान दिवस हमेशा से बहुत गौरव की बात रही, हमारे चौधरी साहब की आज जयंती है। लेकिन इस सरकार में ऐसा आज तक हमने पिछले 73 साल देश को आजाद हुए हो गए आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसान दिवस के दिन भी कि लाखों किसान की ये स्थिति हो कि वो अपना घर का काम छोड़ के, अपनी खेती छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, अपना व्यापार छोड़ के और यहाँ पड़ा हो किसान के सरकार के दरवाजे पे और सरकार सुनने को तैयार नहीं। सरकार कह रही है अगली दौर में बैठक करेंगे, उससे अगली में बैठक करेंगे, सरकार एक महीना छोड़ एक साल तक बैठक करती रहे। आज यहाँ पहले दिन पहले यहाँ शुरुआत है यहाँ से बॉर्डर की, आगे से 12 किलोमीटर तक जाम है, ये एक साल तक भी आंदोलन उठने वाला नहीं है। सरकार इस बात को सुन ले, कानून वापस करने पड़ेंगे। लगातार जो किसानों का गुस्सा जायज है, सरकार को सुनना चाहिए क्योंकि लगातार काफी लंबा वक्त हो गया, क्योंकि बैठकों का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। लाजपत सिंगू बॉर्डर से हरियाणा न्यूज। फतेहाबाद में किसान दिवस के अवसर पर किसानों ने अनाज मंडी में महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में जिले भर के किसान नेताओं और किसानों ने हिस्सा लिया। अनाज मंडी में महापंचायत करने के बाद किसानों ने शहर के लाल बत्ती चौक पर जाम लगाया। लाल बत्ती चौक पर करीब आधे घंटे तक किसानों ने जाम लगाए रखा। इसके बाद फतेहाबाद के एडीसी मौके पर पहुंचे और किसानों ने एडीसी को सरकार के नाम जो है ज्ञापन सौंपा और किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। जिसके बाद किसान विधायक स्थानीय जो विधायक थे उनके निवास स्थान पर पहुंचे और उन्होंने विधायक को मांग पत्र सौंपा और सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग की। जो बातें देखो स्थानीय किसानों की, भारत सरकार की बातें चल रही है, उम्मीद है कोई ना कोई इसका मसला हल निकले। किसानों ने जी हाँ सौंपा है, वैसे जैसे मैंने कहा नहीं, किसानों की मुख्यमंत्री साथ भी एग्रीकल्चर मंत्री साथ मोदी जी साथ बात चल रही है, अमित शाह जी के साथ, उम्मीद है दो चार दिन में कुछ ना कुछ वार्ता चल रही है, आपके सामने है वो लगी हुई है। देश के कृषि मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी किसी तरह से मसला हल हो और मुझे उम्मीद है कि दो चार दिन में कुछ मसला हल हो। मसला राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन रत्न किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया।
कड़कड़ाती सर्दी में के बीच भी किसानों ने अर्धनग्न होकर कानून का विरोध जताया। युवा किसानों ने टिकरी बॉर्डर से बाईपास तक अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक वो सड़कों पर डटे रहेंगे। सरकार को ये बात बताना चाहता हूँ, हम उनके वारिस हैं जिनके छोटे छोटे हमारे गुरु साहबान थे, उन्होंने सरहंद में ई नहीं मानी ठंड से, तो हम तो उनके वारिस हैं, हम कैसे मानेंगे। हम अपने हक लेके जाएंगे। कल एक पहले एक पहले दिन एक आया था, दूसरे दिन था साई, अब काफिला बढ़ता है, कल और बढ़ेगा। ये सरकार को यही बताना चाहते हैं, सर्दी से अपन हमें देना चाहते हैं, जो फायदा हमारा करना चाहते हैं, हम फायदा लेने को तैयार नहीं, तो हमें फायदा क्यों दे रहे हैं? हमें नहीं चाहिए ऐसा फायदा जो सरकार हमें दे रही है। मांग करेंगे सरकार को, यही मांग है कि आप जो काले कानून है उनको वापस ले लीजिए। ठीक है जी, हम इस सर्दी से डरने वाले तो नहीं है, इससे दुगनी सर्दी हो जाए, ये काले कानून वापस करवा के पंजाब और हरियाणा को जाए। इस बात की सरकार को शर्म आनी चाहिए। ठीक है, जो अन्नदाता है, किसान है, ठीक है, आप उनको ही सड़कों पर रख रहे हो, जो आपका पेट भरता है, आपको इस बात की शर्म आनी चाहिए। हम आपको जो आए हैं आज कपड़े के बिना, हम आपको सारे जने। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नु मन्नु का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। बेटा, अखबार में खबर है कि हमारे शहर में जल्दी ही नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, आप सब लोग मतदान करोगे ना? मतदान करने से क्या होगा? देखो बेटा, यदि आप अपने शहर की नगर पालिका के चुनाव में मतदान नहीं करोगे तो बिजली, पानी, सीवरेज, सड़कों और गलियों की साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर कैसे होगी और हमारे शहर का विकास कैसे होगा? आंटी एकदम ठीक ही तो कह रही हैं। बेटा, इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार चुनाव ईवीएम से होंगे, मत पत्र पर उम्मीदवार की फोटो भी लगी होगी, दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यदि आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंकल जी ने ठीक कहा है, हम सब मिलजुल कर चुनाव में मतदान करेंगे ताकि हमारे शहर का विकास और तेजी से हो सके। बेटा, वोट देने से हमारा चुनाव प्रतिशत भी बढ़ेगा और लोकतंत्र भी मजबूत होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में धरने पर बैठे किसानों ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह के पुतले की शव यात्रा निकाली। इस दौरान भूमन शाह चौक पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। इसके मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हुए थे। किसानों का कहना है कि 25 से 27 दिसंबर तक सभी टोल नाकों को पर्ची फ्री करेंगे। वहीं किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा कि सरकार जबरदस्ती उन पर ये तीन कानून थोपना चाहती है, जबकि इसकी किसी ने भी मांग नहीं की। जब से काले कानून बनाए तब से ये समझाने में लगी है भी काले कानून किसानों के हक में है, काले कानून किसानों के हक में है, लेकिन जब हमारे किसान आगू जो हमारे जथेबंदियां हैं किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर, वो जब मिलने जाते हैं, कृषि मंत्री से मिले, अमित शाह से मिले, वो उनको जब पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं तो वे कहते हैं हाँ ये तो कमी है, ये तो कमी है, ये तो कमी है। जब उसमें बिल में कमियाँ ही कमियाँ हैं तो फिर बिल लाना किस लिए है? जब हमने हमारा पेट भरा हुआ है फिर भी आप ठूस ठूस के खलवारे हम क्यों खाएंगे? हमारे को ये कानून नहीं चाहिए थे, पहले भी नहीं चाहिए थे, आज भी नहीं चाहिए, कल भी नहीं चाहिए होंगे। उधर सिरसा में लड़कियों के लिए अलग से बस सेवा शुरू करने की लंबे समय से मांग चल रही थी, जो अब पूरी होती दिख रही है। दरअसल सिरसा से मधोसिंघना गांव के लिए स्पेशल गुलाबी बस का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। बस अड्डे से चलकर यह बस भूमर होते हुए मधोसिंघना जाएगी। इस बस में
कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं ही सफर कर पाएंगी। प्रदेश सरकार ने इन अलग अलग रूटों पर चलाने के लिए सिरसा डिपो को 5 बसें दी हैं। कॉलेज और स्कूल टाइम के अनुसार इन बसों से रूट चार्ट तैयार किए जाएंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ने सिरसा आने वाली छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। बता दें कि अगले कुछ दिनों में एक और बस को जमाल रूट पर चलाए जाने की योजना है। हरियाणा सरकार ने हमारे को 5 बसें दी है लड़कियों के लिए। इनके अंदर लड़कियां ही सफर करेगी, लेकिन अभी तक स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निकल ये पूर्ण रूप से ओपन नहीं हुए हैं। इसलिए हम माधो सिंगाणा एक ट्रायल बेसिस पर बस शुरू की है, जिसके अंदर लड़कियां अभी बहुत कम मात्रा में आ रही है। माधो सिंगाणा है, मल्लिका है, और अगला ये गांव बंबूर है और सिरसा है। इसके लिए एक ट्रायल बेसिस पे एक बस शुरू की है, एक बस और शुरू करने जा रहे हैं। सिरसा के वार्ड नंबर 29 में नगर परिषद उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर बुधवार को हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। गोविंद कांडा ने घर घर जाकर निशा बजाज के लिए वोट की अपील की। इस अभियान में हरियाणा लोकहित पार्टी के युवा नेता धवन कांडा और धैर्य कांडा भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी से युवा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। गोविंद कांडा ने कहा कि इस वार्ड के लोग निशा बजाज को वोट देकर नगर के विकास की नई इबारत लिखेंगे। डोर टू डोर प्रचार से चुनावी हवा बदलती हुई दिखाई दी। मतदाताओं का उत्साह और उनका समर्थन देकर निशा बजाज की एक तरफा जीत तय मानी जा रही है। उनतीस नंबर वार्ड का जो इलेक्शन है, इसके अंदर पारिवारिक सभी सदस्य हैं और पारिवारिक माहौल है, और पूरा जिला भी जानता है और सिरसावासी भी जानते हैं और वार्डवासी भी जानते हैं। इस इलेक्शन पर सिरसा का विकास निर्भर है और सभी सिरसा का विकास चाहते हैं, और विकास के साथ खड़े हैं भाई गोपाल कांडा। और सबको पता है कि सिरसा का विकास एक ही आदमी करवा सकता है, वो है गोपाल कांडा। और वार्ड का सभी का बहुत प्यार मान सम्मान भाई गोपाल कांडा को मिल रहा है, और निशा जी बजाज की जो जीत निश्चित है, बहुत भारी मोटों से निश्चित है, और इसके साथ ही सिरसा के विकास के द्वार खुलेंगे। भिवानी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक कुत्ता रेड क्रॉस में इंसान का पांव लेकर घूम रहा था। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने पांव को अपने कब्जे में लेकर शख्स के बाकी अंगों की तलाश शुरू की। रेड क्रॉस के अधिकारियों ने इसकी जानकारी सिविल लाइन पुलिस को दी। पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर मानव अंग की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी हरिओम ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी, सूचना पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का से सूचना मिली थी कि एक मानव अंग पैर मेल का कोई कुत्ता उठा करके परिसर में ले आया है। उसकी सूचना पर मौके पर सर्च की गई और पैर को कब्जा पुलिस ने लिया। 174 की कार्रवाई की गई और आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की सर्च की गई, जिसमें एक कुतिया जो उसी में सोसाइटी कार्यालय में ही परिसर में ब्याई हुई थी, अपने बच्चों के लिए वो उठा करके बाहर से लेकर आई। तो सर्च अभियान में अभी तक इतना ही पता लगा है कि अभी हॉस्पिटलों में भी पता किया जा रहा है एक टीम द्वारा, वो किसी का ऐसा कोई शुगर या किसी बीमारी या इंफेक्शन के कारण से किसी डॉक्टर ने सर्जरी करी हो, उस लेवल पे भी, उस पहलू पे भी देखा जा रहा है।